नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नमन और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक ट्यूशंस में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप नाइकोन D3300 DSLR कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स जो होती हैं उन्हें 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जब हम नया DSLR कैमरा परचेज करते हैं नाइकोन D3300 तो इसकी जो इनबिल्ट सेटिंग्स होती हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की वो मैक्सिमम 50 फ्रेम्स पर सेकंड पे होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑप्शन है मेन्यू की, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो मेन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है जिस पे कैमरा बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिए। और इसके बाद नीचे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है मूवी सेटिंग्स की, मूवी सेटिंग्स में क्लिक कीजिए। और इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आपको आएगी फ्रेम साइज फ्रेम रेट की, इसको आप ओपन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स जो हमें यहाँ पर शो हो रही हैं वो हो रही हैं 24, 25 और 50 पिक्सल्स पर सेकंड की। तो इसके हिसाब से आप जो है मैक्सिमम रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग 50 फ्रेम्स पर सेकंड पे कर सकते हैं। लेकिन जब हम कैमरा परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा हमें बताया जाता है कि नाइकोन D3300 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी इन सेटिंग्स को, वीडियो रिकॉर्डिंग की, आप 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है, आप इधर लेफ्ट साइड में थर्ड ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए, ये थर्ड ऑप्शन है लेफ्ट साइड में जी। इस पर क्लिक करने के बाद राइट साइड में आप नीचे जाइए, काफी नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगी वीडियो मोड की, आप इसे ओपन कर लीजिए। इसे ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, पहली है NTSC और दूसरी है PAL। जो फैक्ट्री सेटिंग्स होती हैं नाइकोन D3300 की वो PAL पे सेट होती हैं, आपको इसे चेंज करके NTSC पे कर देना है जो कि फर्स्ट ऑप्शन है जी। जैसे ही आप इसे चेंज कर देंगे NTSC पे तो दोबारा फिर से हम लेफ्ट साइड में सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे कैमरा सेटिंग्स में। तो आप नीचे जाइए, नीचे जाने के बाद आप दोबारा से मूवी सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, फिर से फ्रेम रेट पे, फ्रेम साइज पे क्लिक कीजिए फर्स्ट ऑप्शन पे। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स थी वो अब चेंज हो चुकी हैं 24, 30 और 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे। तो अभी जो है आप अपने नाइकोन D3300 से 60 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम फर्दर आपके लिए बहुत सारी टेक्निकल वीडियोस जो है लेकर आएंगे बिल्कुल ही हिंदी लैंग्वेज में। तो दोस्तों चैनल देखते रहिए, आपका अपना चैनल टेक ट्यूशंस, धन्यवाद, जय हिंद।